गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ इस पदयात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच रही हैं, वहां पर वो पदयात्रा करेंगी। लेकिन दिल्ली में भी हलचल जारी है कांग्रेस की तरफ से। वहां पर ये देखिए कितने सारे लोग इस पदयात्रा में जुड़ रहे हैं। भारत के झंडे के साथ ये पदयात्रा की जा रही है और राहुल गांधी की अगुवाई में ये पदयात्रा शुरू हो चुकी है। हालांकि सुबह सुबह जो खबरें आई थी उसके मुताबिक बताया गया था कि आज सोनिया गांधी जब बापू के समाधि स्थल पर पहुंचेंगी तो उनका साथ देंगे राहुल गांधी और कांग्रेस दफ्तर से लेकर राजघाट तक ये सभी पदयात्रा करेंगे। लेकिन सुबह जो तस्वीरें आई उसमें सोनिया गांधी सिर्फ नजर आई राजघाट पर और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। लेकिन अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं राहुल गांधी की यहाँ पर तस्वीरें हैं। हालांकि ये देखिए और धक्का मुक्की भी थोड़ी बहुत यहाँ पर हो रही है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में राहुल गांधी निकले हैं पदयात्रा करने के लिए। होड़ मची है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में पदयात्रा को लेकर, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है वो कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राजघाट तक पदयात्रा की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई तो बीजेपी आज 150 किलोमीटर की पदयात्रा आज से शुरू कर रही है। 150वीं जयंती है महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता की, ऐसे मौके पर बीजेपी 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही है। आज से शुरुआत इसकी होगी। लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए, झंडा लिए हुए निकले हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और आज समाधि स्थल तक जाएंगे, राजघाट तक जाएंगे जहां पर पुष्प अर्पण करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। वहीं दूसरी तरफ आज लखनऊ में राहुल की बहन प्रियंका गांधी भी आज वहां पर पहुंच रही हैं, पदयात्रा वहां भी करेंगी। बताया जा रहा है कि वहां पर प्रशासन से थोड़ी नोकझोंक भी हुई है और कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी गई है उन्हें पदयात्रा करने की। वहां पर एक मौन यात्रा बताया जा रहा है कि मौन यात्रा वहां पर किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, जिसको लीड करेंगी प्रियंका गांधी। ये देखिए दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गांधी संदेश यात्रा इस नाम से ये यात्रा निकलेगी लखनऊ में, जो कि प्रियंका गांधी इसे इसकी अगुवाई करेंगी। और यहाँ पर ये आपको हम दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर राहुल गांधी तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ हाथों में तिरंगा लिए हुए, ये देखिए कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। सोनिया गांधी आज सुबह सुबह पहुंची राजघाट, पहले का जो कार्यक्रम था तय कार्यक्रम उसके मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ में ही आते कांग्रेस मुख्यालय से राजघाट तक। श्वेता और थोड़ा अव्यवस्था का माहौल भी यहां पर की शुरुआत कर रही है और वो 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। जिस तरह से सोनिया गांधी ने भी, जो कांग्रेस अध्यक्षा है, उन्होंने भी कहा कि हमें सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें जनता की आवाज बननी है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि सोशल मीडिया में सिर्फ एक्टिव रहने से सियासत करने से काम नहीं चलेगा। और अब कांग्रेस पार्टी एक तरफ भाजपा की संकल्प यात्रा है तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस की ये गांधी संदेश यात्रा। इसके जरिए कांग्रेस एक बार फिर से अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश में है। उनको लगता है महात्मा गांधी से बेहतर कोई और व्यक्तित्व नहीं है, कोई और विचारधारा नहीं है जिससे वो अपनी जो सियासी जमीन है एक बार दोबारा खड़ी कर सकते हैं। और अब देखिए पीछे राहुल गांधी यहाँ पे पदयात्रा करते हुए, दे आर हेडिंग स्ट्रेट टू राजघाट। राजघाट लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है और राहुल गांधी उनके साथ तमाम कार्यकर्ता है, तमाम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, कुछ महिलाएं भी आपको नजर आ जाएंगी। तो गांधी, और हमने सुबह देखा कि किस तरह से गांधी की वेशभूषा में युवाओं को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर क्या ये फोटो ऑप्टिक्स तक, फोटो अपॉर्चुनिटी तक लिमिटेड रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कि ट्विटर पे कांग्रेस ज्यादा एक्टिव नजर आती है और जिस तरह से भाजपा ने गांधी की विरासत को जो है अपनाया है, जिस तरह से सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भाजपा के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार महात्मा गांधी के विचारों की बात की है, जिस तरह से उन्होंने गांधीगिरी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, उससे कांग्रेस को भी लगता है कि चिंतन की जरूरत है, मंथन की जरूरत है और कहीं ना कहीं गांधी से दोबारा जुड़ने की जरूरत है। आप देखिए, याद होगा आपको वो लाइनें, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना दहाल, साबरमती के संत उन्हें कर दिया कमाल,
मात्र एक लाठी, एक पुरानी धोती और अपने चश्मे के जरिए के सहारे क्यों डरते थे अंग्रेज उस आदमी से, क्योंकि सत्याग्रह और अहिंसा को जो उन्हें पाठ पढ़ाया। और आज आप देखिए उसकी जरूरत किस तरह से सियासी दलों को महसूस हो रही है। आज भी गांधी की विचारधारा हमारे बीच जीवंत है, चाहे वो बराक ओबामा हो, दलाई लामा हो, मार्टिन किंग लूथर हो या फिर आइंस्टाइन हो। तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हस्तियां हैं जिन्होंने गांधी की विचारधारा को अपनाया, और यही वजह है जिस तरह से भाजपा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रख रही है, उसको उनका जश्न 150वीं जयंती के जश्न मना रही है। उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जरूरत है, कांग्रेस को भी ये जरूरत महसूस हुई कि अब ये वो वक्त है जब वो अपनी सियासी खोई हुई सियासी जमीन को पाने के लिए गांधी की लाठी के सहारे शायद कुछ कदम आगे बढ़ सकती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तब तक सूरज चांद रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप आज राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं? आज हमारे देश का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और बहुत बड़ी बात है। आज हम 150वीं वर्षगांठ मिला रहे हैं हम, और ये हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं सब गांधी जी की देन है। और महात्मा गांधी ने आज देश का युवा साथी बाहर आ चुका है और देश की आज नई उन्नति है, पूरा देश के साथ है, पूरा देश गांधी जी के साथ है। तो देखिए आपको हम बता रहे, तो हम कोशिश करते हैं ऊपर चढ़ने की। भैया माइक पकड़िएगा जरा, चलो चलो हम ऊपर अब चढ़ाए ताकि आपको बेहतरीन विजुअल्स दिखा सके। और ये देखिए राहुल गांधी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मार्च करते हुए, अब आईटीओ पहुंच चुका है ये काफिला। और जाहिर तौर पे ये वो वक्त है, कोई गांधी की वेशभूषा में है, कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, और दूर दूर तक आप देखिए तो कांग्रेस कार्यकर्ता आपको नजर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश कांग्रेस पार्टी द्वारा एक तरीके से जनता से जुड़ने की, आज के इस बड़े दिन में गांधी के साथ खड़े हो दिखने की। ओवर टू द स्टूडियो। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता वहीं इस पदयात्रा से हमें बता रही थी कि किस तरह से ये पदयात्रा आज राहुल गांधी की अगुवाई में की जा रही है, और इसकी शुरुआत स्थापना का दौर भी वहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी खुद इन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में चल रहे हैं। उनके एसपीजी को काफी ज्यादा दिक्कतें सिक्योरिटी में आ रही हैं, लेकिन ये मौका ऐसा जिसको पूरी तरीके से हाईलाइट करना चाहती है कांग्रेस, और किसी भी तरीके से बीजेपी से पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि 150वीं जयंती है बापू की, और ऐसे में इस पदयात्रा का आगाज हो चुका है, और पदयात्रा के पीछे की जो राजनीति है वो भी लोग बखूबी समझ रहे हैं। कांग्रेस की ये पदयात्रा देश भर में की जाएगी, अलग अलग शहरों में, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, और हमारी संवाददाता लगातार पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही थी, बता रही थी किस तरह से अरसे बाद एक मोर्चा संभाला है राहुल गांधी ने, और उनकी अगुवाई में जिस तरह से इस पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो बीते कई दिनों में श्वेता खबरों से बाहर थे आज एक बार फिर सुर्खियों में। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं गांधी नाम को लेकर कि आखिर गांधी है किन के, इसको लेकर भी पिछले दिनों आपने काफी सियासत देखी होगी। पिछले लगभग 5-6 सालों में आप कह ले 5-6 सालों में मुख्य तौर पर काफी सियासत हुई कि क्या गांधी सिर्फ नेहरू गांधी परिवार से ही एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सियासत में भी हमें देखने को मिला, प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद से जिस तरह के गांधी के मूल्यों को लोगों के बीच, जनता के बीच उन्होंने रखा, गांधी जी को लेकर जिस तरह से उन्होंने हर एक मंच से गांधी जी को लेकर जो बातें कही, कहीं ना कहीं ये होड़ मच गई कि अब गांधी हैं किनके, क्या वो बीजेपी के हैं या फिर कांग्रेस के हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में 150वीं जयंती महात्मा गांधी की ये जनता को देखना चाहिए, क्योंकि आज जनता में बहुत इंटॉलरेंस है, लोगों में जो है
इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और जिस तरह से विभाजित है सोसाइटी। जी तो तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं, कई तरह की बातें, राजनीति एक तरफ लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर आपके सामने, जो कि कहीं ना कहीं राजनीति का ही जाहिर सी बात है कि एक हिस्सा है, जिसमें आज राहुल गांधी और उनकी पदयात्रा और जाहिर सी बात है 150वीं जयंती महात्मा गांधी की, ये सांकेतिक है लेकिन बाकी जो पदयात्रा है एक भव्य तौर पर दिखाने की कोशिश, एक तरह से ये बताने की कोशिश कि गांधी हमेशा कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार से ही जुड़े रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी अगुवाई करते हुए इस मार्च का, पैदल मार्च का, पदयात्रा का, जिसमें हजारों कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको हाथों में झंडा लिए हुए नजर आ जाएंगे। मौसमी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, क्योंकि आप सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से इस पदयात्रा का आगाज हुआ है। इस वक्त जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तो मौजूद है ही, लेकिन ये कितना सांकेतिक है, कितना इसके पीछे राजनीति है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहाँ पर जाकर ये पदयात्रा खत्म होगी, उसके बाद राहुल गांधी का क्या रोल रहेगा इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अभी पदयात्रा पहुंच गई है ITO, तो एक तरफ है भाजपा की संकल्प यात्रा, दूसरी तरफ देख रहे गांधी संदेश यात्रा। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आपको ITO में नजर आएंगे। ये वो वक्त है जब राहुल गांधी लोकसभा की चुनावी हार के बाद पहली बार ही सड़क पर यूं निकले हैं पदयात्रा के जरिए। एक तरीके से राहुल गांधी भी दोबारा जनता से जुड़ने की कोशिश में है और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है वो राजघाट पे रहेंगी, शपथ दिलाएंगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से गांधी की विरासत जो है उसको एक बार उससे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश है। एक तरफ सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर की तरह जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं, चाहे वो स्वच्छता दिवस हो, चाहे वो 150वीं जयंती के इससे जुड़े समारोह हो, भाजपा ने महात्मा गांधी को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग की है, तो कांग्रेस में भी आत्मचिंतन और मंथन के तौर पर अब ये पदयात्रा निकाली जा रही है, गांधी संदेश यात्रा। विनोद जरा पूरा पैन करके दिखाएं दूर दूर तक किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और किरण वालिया साहब हैं यहाँ पे, किरण वालिया जी आइए उनसे पूछते हैं, एक मिनट हम नीचे उतरेंगे ताकि किरण वालिया जी से पूछे। विनोद आप दिखाइएगा, किरण जी आप बताइए इतने दिनों बाद क्यों गांधी याद आ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं ये एहसास है कि भाजपा लगातार गांधी को अपनाने की कोशिश कर रही है? ये एहसास नहीं है, एक मिनट आप बताइए कि राजघाट पर हमेशा कांग्रेस पार्टी कभी महात्मा गांधी को भूल सकती है? कांग्रेस पार्टी के आज भी जो विचारधारा है वो महात्मा गांधी जी से प्रेरित है और महात्मा गांधी जी की परंपरा में नेहरू हूँ या लाल बहादुर शास्त्री हूँ, वो एक लंबी परंपरा है। तो कांग्रेस पार्टी को तमाशा नहीं बनाना, कांग्रेस पार्टी को उस विचारधारा को अपनाना है, उस विचारधारा के लिए लड़ेगी, उस विचारधारा के लिए हम सब कुछ सर्वस्व त्याग देने को तैयार है। जी और देखिए कि गांधी जी ने कहा था कि आप जो है आपके कपड़ों से पहचान नहीं होती, आपके आपके चरित्र से पहचान होती है, आप वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस वो बदलाव का अंश बनना चाह रही है? हम सम्मान की है, वो एकता की है, वो समानता की है, वो जो पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने वाली है, वो विचारधारा जो हिंदुस्तान को एक समझती है, वो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा। किरण जी मेरा ये कहना है कि क्या आज फिर से महात्मा गांधी की लाठी के सहारे कांग्रेस या महात्मा गांधी की जरूरत पड़ी कांग्रेस को? आज जो आक्रमण हुआ उस विचारधारा पर, वो आक्रमण बहुत जबरदस्त हुआ है, उस आक्रमण के जवाब में भी एक अंदर से जज्बा सबके आया कि हमें बहुत बड़ी संख्या में निकलना होगा सर। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं गांधी जयंती के अवसर पर, और यहां पर लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर को भी आज माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। आज उनका जन्म हुआ, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और उनके रजीम में भी जो जो फैसले लिए गए और जिस तरह से
उन्होंने देश के लिए उस वक्त उस दौरान जो काम किया उसे ये देश हमेशा याद रखेगा। पूर्ण तौर पर गांधीवादी और गांधी सोच से प्रेरित लाल बहादुर शास्त्री। श्वेता दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद हैं और ये कोशिश है सभी सांसदों की कि आज दोनों नेताओं को याद किया जाए उनकी जयंती पर। और खास तौर पर श्वेता हमने बीते कुछ सालों में देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री को भी बापू जितनी ही अहमियत देने की सभी नेताओं की ओर से कोशिश की जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि राजनीति दोनों के नामों को लेकर और उनको याद किए जाने को लेकर। और आज जब दोनों नेताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह से हमने तस्वीरें देखी किस तरह से राजघाट पर सभी सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे और पार्टी से अलग हटकर, पार्टी से परे हटकर ये तमाम लोग, ये तमाम नेता ये कोशिश करते हैं कि आज ही के दिन। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कांग्रेस की पदयात्रा की है और इस पर जानकारी दे रही थी हमारी संवाददाता मौसमी सिंह, बता रही थी कि किस तरह से ये एकता का प्रतीक भी है और साथ ही ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से बापू से आज भी जुड़ाव है कांग्रेस पार्टी का उसी तरीके से जैसा कि आज से 150 साल पहले था या फिर यूं कहें कि 100 साल पहले था। लेकिन दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो उस वक्त की है जब बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तमाम नेताओं की तरफ से। आज देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भले ही वो बीजेपी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का हो। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की इस पदयात्रा को कवर कर रही है। मौसमी ये बताइए कि आप इस पूरी पदयात्रा को देख रही है, 150वीं जयंती का मौका है, सोनिया गांधी भी इसमें शिरकत करनी वाली है अपने तरीके से, लेकिन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो क्या मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पदयात्रा को लेकर, क्योंकि सबका एक अलग अलग रोल इस पदयात्रा को लेकर निर्धारित किया गया होगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम उस इलाके से गुजर रहे हैं, आईटीओ से आगे एक्सप्रेस बिल्डिंग से हम लोग राजघाट की तरफ बढ़ रहे हैं, लगभग 2 किलोमीटर का फासला रह गया है। हम विनोद से बोलेंगे, विनोद जरा आप हाथ में लीजिए ताकि हम आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से राहुल गांधी थोड़ा आगे पहुंच गए हैं और आज तक जो है बेहतरीन तस्वीरें यहां से आपको टॉप एंगल की दिखा रहा है। यहां पे राहुल गांधी आगे मार्च करते हुए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं वो चरखा है और किस तरह से गांधी एक विचार जो है उनको पेश करने की, उनसे जुड़ने की कोशिश में कांग्रेस पर। जैसे गांधी जी भी कहते थे कि गांधीगिरी सिर्फ चरखा और खादी पहनने से नहीं होती, गांधीगिरी, गांधी जो विचार है अहिंसा और सत्याग्रह उनको अपनाने से होती है। तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि लगातार जो गांधी के विचार हैं वो किस तरह से भाजपा से मेल नहीं खाते, किस तरह से भाजपा सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए गांधी के विचारों को अपना रही है और गांधीगिरी कर रही है जो कि सिर्फ फोटो ऑप्टिक्स है। बार बार कांग्रेस के नेता यही बात कहने की कोशिश करते हैं, जब उनसे ये पूछिए कि भाई गांधी, क्या आपको गांधी की जरूरत आज आन पड़ी, क्योंकि जिस तरह से अपनी सियासी जमीन एकदम से खो चुकी है कांग्रेस, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जनता से जुड़ने के लिए उसको अब सिर्फ ट्विटर पे ना रह के, सिर्फ सोशल मीडिया पे ना रह के सड़क पे आंदोलन छेड़ने पड़ेंगे। और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब लोकसभा की चुनावी हार के बाद, धराशायी होने के बाद, अब पहली बार इस तरह से जनता से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ताओं के साथ एक पदयात्रा कर रहे हैं तो अपने आप में उसके सियासी मायने काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और कोशिश यही है, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी, कोशिश यही है कि गांधी की विचारधारा जो है वो कांग्रेस की विचारधारा है उसको इस तरह से पेश करने की। बिल्कुल, और साथ ही साथ तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं 150वीं जयंती पर, बापू की 150वीं जयंती पर किस तरह से कांग्रेस ने यह विशाल पदयात्रा का आगाज किया है और इसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। और एक बार फिर से जिस तरह से मौसमी लगातार बता रही है अपनी खोई हुई जमीन जिस तरह से फिर से वापस लौटने की कोशिश, लौटाने की कोशिश, और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें नया रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश, 36 घंटे का सत्र चलेगा। भारत मिशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है,
अपनी आदत का हिस्सा बनाया है, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है, और अपनी आदत और दिनचर्या का हिस्सा बनाने के क्रम में वह इस अभियान के साथ जुड़ा है। और आज लखनऊ में प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश हो, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सभी 110 वार्डों में हमारे माननीय विधायकों ने जो अभियान चलाया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और प्लास्टिक मुक्त के लिए अभियान केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर। आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक और संकल्प का दिन है। ये महात्मा गांधी जी ने केवल बुझा लेंगे जिस संकल्प को लेकर सत्य, अहिंसा, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, प्रेम और आस्था विश्वास के साथ भारत के दर्शन को एक दिशा दी थी। आज सारा विश्व उस दिशा की ओर चल रहा है। महात्मा गांधी जी एक स्वतंत्रता आंदोलन जिन्होंने लंबे 4 दशकों तक एक अहिंसा के आधार पर स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया, जिन्होंने लोगों के एक नई संचार। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें किस तरह से बापू की 150वीं जयंती पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से देश भर में किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो चुकी है, सोनिया गांधी भी इस पदयात्रा में शिरकत करेंगी। लगभग 3 किलोमीटर लंबी उनकी यात्रा होगी, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी दफ्तर से राजघाट तक जाएंगी। वहीं राष्ट्रपिता को तमाम सांसदों ने आज किस तरह से नमन किया, उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर विधानसभा का विशेष सत्र, 36 घंटे का ये सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हो चुका है और कल तक ये सत्र लगातार जारी रहेगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार ने कहा है कि उनका प्राथमिक लक्ष्य है गरीबी और भुखमरी से उत्तर प्रदेश की जनता को आजाद कराना। और साथ ही आपको बता दें कि इस विशेष सत्र को लेकर विपक्ष ने कहा है कि वो इस सत्र में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये महज एक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया गया है, जो कि कल रात 11 बजे तक चलेगा, आज 11 बजे से शुरू हुआ। और इस बीच योगी आदित्यनाथ सदन में बोलते हुए, और बीच में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप पार्लियामेंट की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए तमाम सांसद, बड़े बड़े नेता, सोनिया गांधी। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, ये पूरा कार्यक्रम थोड़ी देरी से शुरू हुआ, अब कहां तक ये पदयात्रा पहुंच चुकी है और सोनिया गांधी कब इसमें शिरकत करने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली गेट ये यात्रा पहुंच चुकी है और आप देखिए राहुल गांधी इस पदयात्रा में सबके साथ चलते हुए, हम बात करने की कोशिश करेंगे राहुल से। राहुल किधर है? और ये देखिए राहुल, ये राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी, और ये पहली बार है जब राहुल गांधी इस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं। दिल्ली गेट उनका ये सफर पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह से चरखी की जो झांकी है उसके पीछे राहुल गांधी। राहुल, सुष्मिता, सुष्मिता और राजेश निलोटिया, सुष्मिता देव, राहुल गांधी एक साथ। हम कैमरा पर्सन विनोद से कहेंगे, विनोद थोड़ा सा कोशिश कीजिए आगे से तस्वीर दिखाएं राहुल गांधी की। दिल्ली गेट पे अब ये काफिला निकल रहा है और अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, ये भजन चल रहा है। जिस तरह से गांधी जी ने लगातार कहा कि आप जो ऐसा सोचते हैं उसी तरीके का व्यक्तित्व आपका हो जाता है, उसी तरीके से आप व्यवहार भी करते हैं, तो अपनी सोच अच्छी रखिए। आज भी गांधी की विचारधारा हम लोग के बीच में बहुत ज्यादा रेलेवेंट और जीवंत, कहीं ना कहीं सियासी रूप से भी लगातार, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, उनको लगता है कि गांधी की जरूरत
चाहे वो सियासत हो या समाज में जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अपनी खोई हुई जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, जो जनाधार है, उसको दोबारा पाने की कोशिश में इस पदयात्रा को निकाल रही है। ये पदयात्रा कई मायनों में अहम है, सियासी मायने अगर इसके देखें तो आपको साफ क्यों, आप साफ समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी धरातल में है। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते थे और इसलिए वो सोनिया गांधी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तो अब राहुल गांधी दोबारा आप देखिए सियासी रण में उतरे हैं और एक तरीके से गांधी के जरिए एक बार फिर कांग्रेस अपनी सियासत को साधने की कोशिश में जुटी है। वो दूसरी तरफ जिस तरह सोनिया गांधी ने कहा कि जन आंदोलन करने पड़ेंगे, ट्विटर आईडी बंद करके, सोशल मीडिया बंद करके नेताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो खुद राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार युवाओं पर कांग्रेस का फोकस है, यहाँ पे भी आप देखिए तो कोशिश ये है कि युवा कांग्रेस से जुड़े, एक जो कांग्रेस में जो यूथफुल एनर्जी नहीं थी उसको एक बार फिर से दोबारा रिवाइव करने की कोशिश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि पदयात्रा कई मायनों में कई लिहाज से कांग्रेस के लिए बेहद अहम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।